हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, बहुत बार हमारे दिनचर्या के दौरान, हमारी लाइफस्टाइल के दौरान, हम बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी सिचुएशंस का सामना करते हैं जो हमारे विश्वास को, हमारे एटीट्यूड को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड को अपनी सामंजस्यता के साथ में, अपनी सूझबूझ के साथ में अगर पॉजिटिव बनाए रखते हैं, तो वही परेशानियां, वही मुश्किलें जो हमारे सामने आती हैं, हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करती हैं, वही विश्वास हमारा मजबूत होता हुआ चला जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, तो आप बहुत बार बहुत सारी परेशानियों को बहुत छोटा सा समझ करके उन्हें एक स्पीड ब्रेकर की तरह क्रॉस करते हुए चले जाते हैं और आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेते हैं। दोस्तों, आपका एटीट्यूड आपकी लाइफस्टाइल के अंदर एक ऐसा गुरु है जो कि आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देता। आपके एटीट्यूड की वजह से ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि जीवन के अंदर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप सपना हमेशा से देखा करते थे। दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे DIY फेस पैक के बारे में जिसे आपको इस बारिश के सीजन में जरूर ट्राई करना चाहिए। बारिश के सीजन में इस्तेमाल होने वाला ये फेस पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, और ये चारों इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल हैं। और जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको रिजल्ट्स देने वाला है एक जादू की तरह। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को स्पॉटलेस बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्पॉटलेस स्किन की, तो हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पॉटलेस स्किन पाना एक सपने जैसा होता है। लेकिन हम एक गलती करते हैं कि हम अपने आसपास जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। पर पिता परमात्मा हमेशा कहते हैं कि अगर आप सिर्फ नज़रें उठाकर देखें तो मैंने हर समस्या के साथ आपको उसका समाधान भी दिया है, लेकिन सिर्फ आपको ज़रूरत है उस समाधान की तरफ देखने की, जो कि आप जनरली नहीं करते हैं। कोई भी दाग धब्बा हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, टैनिंग हो, सनबर्न हो, या फिर मंकी माउथ हो, किसी भी तरह का आपके चेहरे के ऊपर अनइवन स्किन आपको दिखाई देता हो, ये फेस पैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए पपीते का पल्प। पपीता जो है वो जितना ज्यादा पका हुआ होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पका हुआ पपीता होता है उसके अंदर पैपीन एंजाइम उतना ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा पैपीन एंजाइम होगा उतना ज्यादा हमारी स्किन को वो लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट्स देने वाला है। सो लगभग हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून के आसपास पपीते का पल्प चाहिए। आप इसे बना करके रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस पल्प का इस्तेमाल कर लें। नंबर दूसरी जो चीज दोस्तों हमें यहां पर ऐड करनी है वो है टमाटो जूस या टमाटो प्यूरी। टमाटर का रस आप ले लें या टमाटर की प्यूरी आप ले लें, पल्प आप ले लें, क्योंकि टमाटर के अंदर होता है लाइकोपीन एंजाइम, और लाइकोपीन एंजाइम हमारी स्किन के अंदर जाकर के जो मेलानिन बनाने वाले जो सेल्स हैं, जिसको कि मेलेनोसाइट्स कहा जाता है, उसे कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से मेलेनोसाइट्स में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, और जैसे ही मेलेनोसाइट्स में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा हमारी स्किन टुवर्ड्स फेयरनेस जाने लगती है, स्किन के ऊपर बनने वाला पिगमेंट कम होने
लगता है, स्किन के ऊपर बनने वाले जो रिंकल्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं, वो कम दिखाई देने लगते हैं और स्किन जो है वो ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर जो हमें टमाटर का जूस या टमाटर का पल्प जो लेना है वो है 2 टेबल स्पून। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इस पैक को बनाने के लिए चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जिसको फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसका काम होता है हमारी स्किन के अंदर होने वाले जो ऑयल है जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करना, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और एक्ने जैसी जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। और ये एक ऐसा मिट्टी है या एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। तो अगर आपको लगता है आपकी स्किन लूज हो गई है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपकी स्किन ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पर ये जो मुल्तानी मिट्टी पाउडर है जो 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये बेहतरीन इंग्रेडिएंट हमारे लिए साबित होता है। नंबर 4 जो दोस्तों इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो चाहिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर या जिसको हम दूध का पाउडर बोलते हैं, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको अमूल का, सरस का और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स का भी मिल जाता है। तो मिल्क पाउडर जो है वो भी हमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेना है, क्योंकि मिल्क पाउडर के अंदर लैक्टिक एसिड होता है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है हमारी स्किन के जो ऊपर जमे हुए जितने डेड सेल्स हैं उसको धीरे धीरे बाहर निकालने में। और जैसे जैसे हमारी स्किन में जमे डेड सेल्स बाहर निकलते चले जाएंगे, हमारी स्किन के नीचे जो जमा नए सेल्स हैं जो कि एकदम फ्रेश हैं, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अंदर कोई दाग धब्बा, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स कुछ भी नहीं है, वो धीरे धीरे हमें बाहर की तरफ दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक प्याज इस्तेमाल करते समय जब देखते हो कि उसके ऊपर एक दाग है तो आप उसे फेंकते नहीं हो, आप उसके ऊपर वाली लेयर को निकाल देते हो, जिसकी वजह से नीचे से आपको फ्रेश स्किन दिखाई दे देती है। तो मिल्क पाउडर भी हमारी स्किन के लिए वही काम करता है। इन चारों चीजों को अच्छे से मिलाइए और मिला करके एक बहुत ही बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये स्मूथ पेस्ट अब आपका फेस पैक बनकर के तैयार है। इसे रात को सोने से पहले या फिर दिन में कभी भी जब आपको सुविधा हो, चेहरे को अच्छे से धो करके पैक ब्रश की मदद से या उंगली की मदद से लगा लीजिए। जब भी आप इसे लगा रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में ये लगे, ताकि ये आपकी स्किन को लिफ्ट करें, आपकी स्किन को टाइट करें। जितना अच्छे से आप इसे लगाएंगे उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। अब इस फेस पैक को लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे में आप एक अच्छी सी नींद ले सकते हैं, अपनी पसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई बुक रीड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस आधे घंटे को मी टाइम बनाइए, खुद के लिए समय निकालिए और इस आधे घंटे के अंदर आप अपनी मनचाहा जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। आधे घंटे बाद इस फेस पैक को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। जब आप इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्किन की वो लेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा डेड थी वो अच्छे से निकल चुकी हैं, और जैसे ये निकल चुकी हैं तो नीचे से फ्रेश एक बहुत अच्छी चमचमाती हुई और आपको ग्लोइंग स्किन दिखाती हुई एक लेयर अब दिखाई दे रही है जो कि एक्चुअली आपकी रियल स्किन है। ये स्किन पर जो आप पैक लगाओगे ये हफ्ते में 3 बार आप लगा सकते हो, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन आप लगा सकते हो। मैं हमेशा बोलूंगा कि आधा घंटा मिनिमम छोड़ो, अगर ज़्यादा टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ो ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल पाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बहुत छोटा सा एक वीडियो जो कि आपको एक फेस पैक के बारे में बताने के लिए था आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आपके इसी मोटिवेशंस की वजह से हम आपके लिए एनर्जेटिक होकर के बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।